वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A, जो कि है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। सो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पर्सन लायबल है फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड किस कंडीशन में चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है, एंड इसकी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी अगर ट्रस्ट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवानी है तो। सो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट और एनी अदर लीगल ऑब्लिगेशन होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज, यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसने कि ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उससे अगर उसे कोई इनकम रिसीट हुई है एंड और अगर कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से भी इनकम रिसीट हुई है ऑन बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, देन उस पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना होगा इफ़ द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ ही इज़ असेसेबल एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, यानी कि वो ट्रस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है तो एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि अगर ट्रस्ट की जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है बिफोर अलाउइंग एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, यानी जो ट्रस्ट को जो एग्जेम्पशंस मिलती है सेक्शन 11 एंड 12 में, वो एग्जेम्पशंस लेने से पहले अगर ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है तो उस केस में ट्रस्ट को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना नेसेसरी है। Such person should furnish the return in prescribed form and verified in the prescribed manner containing all the particulars prescribed for this purpose. Return filed by the representative assessee. This return must be filed by the representative assessee voluntarily within the time limit. So, जो भी representative assessee है वो within time limit ये return file करेगा. And any failure on the part of the assessee would attract liability to pay interest, fees and penalty. And next, it may be noted that a charitable trust or other legal obligation is required to get its account audited when its income before claiming exemption under section 11 and 12 exceeds basic exemption limit. So, agar trust ko apni books of account audit karwani hai, then uske isme jo due date hogi, wo hogi 3rd.